नमस्कार। एक कहावत है कि मरे हुए को क्या मारना। आजकल पाकिस्तान का हाल ऐसा ही है। ऐसे में फिर से एक फिल्म आई है जिसमें हीरो पाकिस्तान का दामाद बन जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तानी पीएम को बचाता है बल्कि साथ साथ हिंदुस्तानी पीएम को भी बचा डालता है। बता दें, एक हाईजैक को भी नाकाम कर देता है। 170 पैसेंजर भी सही सलामत बच जाते हैं। मतलब दो पीएम, एक हाईजैक, 170 पैसेंजर। बाप रे बाप, इतनी हीरोगिरी, लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। ये कहानी है योद्धा नाम की एक टास्क फोर्स की। अब टास्क फोर्स फिल्मी है तो सब कर सकती है, प्लेन भी चला सकती है और मौका मिले तो चांद पर जाकर चाय भी बेच सकती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पापा इसके हेड होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं और फिर सिद्धार्थ इस टास्क फोर्स में आ जाते हैं। फिर एक एक प्लेन हाईजैक को रोक नहीं पाते हैं और फोर्स बंद करने का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन फिल्म का नाम योद्धा है और अपना हीरो योद्धा है तो फोर्स कैसे बंद होगी। वही बता दें कि फिर से एक प्लेन हाईजैक होता है और इस बार तो मामला पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, जो देशभक्ति दिखाने के लिए बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट है और इकलौती फेवरेट सब्जेक्ट भी है। इसके बाद क्या होता है, अगर पूरा रिव्यू पढ़ने के बाद हिम्मत हो तो फिल्म में देख लीजिएगा। शुरुआत होती है उसी एक सीन से जिससे हजारों योद्धा बॉलीवुड में एंट्री ले चुके हैं। हीरो कुछ लोगों को बचाता है और ये बड़ा बोरिंग लगता है। इसके बाद फिल्म थोड़ी दिलचस्पी पैदा करती है, लेकिन फिर फिल्म में वही सब होता है जो देख देख कर हम बोर हो चुके हैं। हीरो पाकिस्तान पहुंच जाता है, वहां दोनों देशों के पीएम को बचाता है। अरे मतलब सबको सलमान खान बनना है। अपना हीरो प्लेन भी उड़ा लेता है, यही नहीं फ्लाइट में साथ जा रही एक क्रू इंटर्न से भी प्लेन उड़वा डालता है और वो प्लेन क्रैश होने से पहले रुक जाता है और जैसे प्लेन के आगे खली खड़ा हो गया हो। वहीं कुछ सीन बड़े बचकाने लगते हैं, हंसी आती है, लगता है कि यार हमारे पास पाकिस्तान को पीटने के अलावा कुछ और नहीं है क्या। देशभक्ति दिखाने के लिए फिल्म किसी भी इमोशनल को जनरेट नहीं कर पाती। जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी फिल्म पैदा करती है वो जल्द ही खत्म हो जाती है।